सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ और अपडेट है प्राइवेट आईटीआईयों के लिए। और क्योंकि ये जो अपडेट है ये डीजीटी द्वारा और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किया गया है और ये अपडेट अभी तक केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए है जिनकी आईटीआई उत्तर प्रदेश में चल रही है। बाकी अदर स्टेट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको होगी तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और ये जो वीडियो में अपडेट है ये सत्र 2023 में होने वाले प्रवेश एडमिशन के बारे में है, प्रवेश क्षमता के बारे में है। तो क्या चीज है आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, लेटर मैं आपको दिखा देता हूं। ये लेटर है 1 जून 2023 को जारी किया गया है, ठीक है, जिसमें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश और प्रशिक्षण क्षमता 2023 के संबंध में है, ठीक है दोस्तों। तो डीजीटी द्वारा पत्र भेजा गया था इनको ईमेल के माध्यम से 23/5/2023 को कि समस्त प्रदेश की समस्त प्राइवेट आईटीओ की प्रवेश क्षमता 2023 जो एक्सेल फॉर्म में संलग्न है इसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो मतलब डीजीटी द्वारा एक एक्सेल शीट इनको प्रोवाइड कराई गई थी प्रदेश परिषद को, जिसमें कि सभी आईटीओ की प्रवेश क्षमता अवेलेबल थी, उसमें दिखाई दे रही थी कि सत्र 2023 में किस प्राइवेट आईटीआई के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं और इस बार उनको कितने सीटों पर एडमिशन लेना है, वो भी एक्सेल शीट में आपको दिखाऊंगा। और इस लेटर में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने मांगा है कि आप सभी प्राइवेट आईटीआईओ से इस एक्सेल शीट के माध्यम से एक लेटर मांग लीजिए कि इनकी प्रवेश क्षमता सही है, अगर गलत है तो वो परिषद में जाके लेटर या ईमेल के माध्यम से अपनी प्रवेश क्षमता को सही करा सकता है, इसलिए डीजीटी द्वारा मांगा गया है। बाद में एक बार अपडेट हो जाता है पोर्टल पर तो बाद में कोई संशोधन नहीं हो पाएगा, अगर उसकी कोई सीट छूट जाती है तो उन सीटों पर वो एडमिशन नहीं ले पाएगा क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो उस इसलिए हर साल का ये प्रक्रिया है कि एडमिशन से पहले प्रवेश क्षमता मांगी जाती है या चेक करवाई जाती है डीजीटी के द्वारा, स्टेट को भेजी जाती है, स्टेट द्वारा अपने संयुक्त निदेशक जेडी के यहाँ भेजा जाता है, जेडी से आपके नोडल तक आता है, नोडल द्वारा सबसे एक कंसेंट साइन कराया जाता है कि भाई आपकी जो प्रवेश क्षमता है वो इस एक्सेल शीट में सही प्रदर्शित हो रही है, अगर गलत प्रदर्शित हो रही है तो उसको आप संशोधन करा सकते हैं समय रहते। एक बार प्रवेश प्रक्रिया से स्टार्ट हो जाएगी तो आपका संशोधन होने में काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आपको एक्सेल शीट में कैसे चेक करना है, तो एक्सेल शीट भी मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ डिविजन नेम है, जेडी का कौन सा डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम है, ये एससीबीटी का इंस्टीट्यूट कोड है, ये एनसीबीटी का एमआईएस कोड है, ये ट्रेड है, ये कौन से ग्रुप में है, नॉन इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है, और अवेलेबल सीटें कितनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी भी एक आईटीआई का मैं नीचे आके ले लेता हूँ, मान लीजिए ये रही आपकी देवरिया की आईटीआई है, तो इनका एमआईएस कोड, या फिर आपको सर्च करने में दिक्कत हो रहा है तो आप सीधे अपना एमआईएस कोड फाइंड करके भी इसको चेक कर सकते हैं, वो भी मैं प्रक्रिया बता देता हूँ कैसे फाइंड करके आपको चेक करना है, सर्च करना है।
तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये आईटीआई है, इसका इलेक्ट्रिशियन और फिटर दो ट्रेड है, दो जगह आईटीआई का नाम है, एक इलेक्ट्रिशियन एक फिटर, ग्रुप पे इंजीनियरिंग ट्रेड है। इलेक्ट्रिशियन में इनके पास 40 सीट है और फिटर में 20 सीट है। तो इसी तरह से आपको अपने आईटीआई का भी इस एक्सेल सीट में चेक करना है कि आपकी जो सीटें प्रदर्शित हो रही है यहाँ पे ये सही है, इस बार इतनी सीटें आपके पास है। अगर यहाँ पे आपके पास सीटें ज्यादा है और यहाँ पे प्रदर्शित कम हो रहा है, यहाँ पे कम शो कर रहा है, तो आप इसके लिए स्टेट को अपने मेल करेंगे कि हमारी सीट जो है इस बार इलेक्ट्रिशियन में इतनी होनी चाहिए लेकिन इतनी ही शो कर रही है, आपके एक्सेल सीट में जो भेजा गया है, या नोडल के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस एक्सेल सीट को देखना जरूरी है। ये सीट मैट्रिक्स है, प्राइवेट आईटीआई सीट मैट्रिक्स 2023। इसी सीट के हिसाब से आपकी सीटें अपडेट होंगी एससीवीटी पोर्टल पर और एनसीवीटी पोर्टल पर, और उसी हिसाब से आपके एडमिशन होंगे सत्र 2023 के लिए। तो आप अगर मोबाइल में खोलेंगे तो राइट हैंड साइड में सर्च के लिए ऑप्शन आ जाता है, वहां पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोई MIS कोड डाल के देख लेता हूं। मैंने सर्च किया, MIS कोड मेरे सामने खुल गया। ठीक है, तो ग्रुप ए इलेक्ट्रिशियन और ग्रुप ए इलेक्ट्रिशियन और यह फूटर। ठीक है, ग्रुप ए दोनों है, इंजीनियरिंग ट्रेड है, और दोनों जगह यहाँ 40-40 सीट अवेलेबल है। इसी तरह और भी आईटीआई यहाँ है, जो भी आईटीआई आपकी है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिशियन फिटर दो ट्रेड है, इनके पास सीटें यहाँ प्रदर्शित हो रही है, तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो एक्सेल सीट है और लेटर है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाके इस एक्सेल सीट को आप डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी प्रवेश क्षमता को चेक कर पाएंगे, और लेटर भी मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।